सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. What does the graph say? Stocks are going up. Stocks are going down. Good morning friends, welcome once again to Nifty Analysis and Bank Nifty Analysis from tradingfab.in. आज 2 अगस्त 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:22 हो रहे हैं. फ्राइडे है तो बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे आने वाले वीक में, कहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल हो सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे. कल हफ्ते महीने का पहला ही दिन था और महीने के पहले ही दिन हमें 200 पॉइंट की तकरीबन गिरावट देखने को मिली थी लाइव मार्केट में. लेकिन हालांकि एट लास्ट मोमेंट कुछ रिकवरी देखने को मिला, लेकिन प्रेशर अभी भी काफी बना हुआ है. तो कहां पर सपोर्ट के लेवल्स नेक्स्ट आ सकते हैं इसको आइडेंटिफाई करेंगे. उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 1 अगस्त आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ पर मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,145 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,085. तो ये 10 मिनट का चार्ट है जैसे कि आप देख रहे हैं. निफ्टी इंडेक्स कल हमारा ये जो फर्स्ट टारगेट हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, इसी के पास ये ओपन हुआ. तो यहाँ पर एज पर दिस प्लान यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा था. यहाँ पर लाइव मार्केट में यहाँ पर काफी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज थी. जैसे ही ये दिन का लो ब्रेक करता है उसके बाद जबरदस्त यहाँ से डाउनफॉल दिखाई दिया. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग तो कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग का काफी मौका था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. चलते ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. यूएस मार्केट नासडैक कल 64 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ. यूरोपियन मार्केट्स देखे तो वहां पर पॉजिटिव नोट के साथ मार्केट्स बंद होते हुए दिखाई दिए. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो सभी लगभग लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं. एसजीएक्स निफ्टी 68 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. चाइना मार्केट में 45 पॉइंट की गिरावट दिखा रही है और निकेई 500 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल यहाँ पर 59 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से भी निगेटिव सेंटीमेंट्स आ रहे हैं. तो क्या हो सकता है निफ्टी में ये देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे इंट्राडे लेवल्स. लेकिन उससे पहले मंथली चार्ट से शुरू करेंगे, बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. ये बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट, अभी एक दिन हो चुका है. इससे पहले ये जुलाई का स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर फॉर्म हो चुका है. और जैसे कि हम यहाँ पर स्पिनिंग टॉप यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो ये बियरिश पैटर्न होता है. और अभी ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक जुलाई का बनने के बाद यहाँ पर और भी थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है. तो नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल एज पर प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर ये स्विंग हाई बना है पास्ट में, इस लेवल के पास 20,226 के पास. तो इस लेवल के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर सकता है. आप देख सकते हैं कल ये यहाँ पर पेनेट्रेट हुआ था, 28,000 तक चला गया था. अगर ये भी लेवल ब्रेक करता है तो नीचे ये 20 ईएमए का ये जो पिंक लाइन है ये अराउंड 27,439 के पास आ रहा है. तो ये यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है. पास्ट में देखा है हमने यहाँ पर ये सपोर्ट टेस्ट करता है, ये एक बार यहाँ पर, ये दूसरी बार. और अगर ये 20 ईएमए को ब्रेक करता है तो नीचे ये ब्लू लाइन जो है 50 ईएमए का, इसको यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट के बाउंस बैक दिखा रहा है. तो यहाँ पर 20 ईएमए अगर 28,226 के नीचे चला जाता है तो 20 ईएमए अराउंड 27,439 के पास है. तो ये यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है. तो ये मंथली चार्ट का सिनेरियो. वीकली चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा फ्राइडे का, तो यहाँ पर हमने 50 ईएमए तक ये बैंक निफ्टी इंडेक्स यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट टेस्ट कर सकता है ऐसे हमने आइडेंटिफाई किया था. और ऊपर यहाँ पर ये 20 ईएमए अराउंड अभी 29,744 के पास आ रहा है, ये अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. तो अगर यहाँ पर इस बॉटम और इस हाई को पकड़ के अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर ड्रॉ करें ये ऐसे, तो इसका 50% का ये जो लेवल है 28,000 के पास आ रहा है, ये कल इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर अचीव कर लिया 28,000 का. तो 50% का ये लेवल अचीव हुआ है.
तो 50 और 61.8% काफी क्रूशियल लेवल्स होते हैं, यहाँ से बाउंस बैक की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जैसे कि हम ग्लोबल सिनेरियो अभी दिखा रहे हैं तो काफी नेगेटिव है, तो अगर 28,000 को अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे 27,128 का सपोर्ट हो सकता है, और इसी के पास ऑलमोस्ट 100 EMA भी आ रहा है, तो 27,100 के पास नेक्स्ट सपोर्ट होगा अगर 28,000 को ब्रेक करता है। तो प्राइस एक्शन को देखें तो यहाँ पर हमने मंथली चार्ट में देखा ये 28,000 के पास आ रहा है ये लेवल यहाँ पर ये, और इसके बाद यहाँ पर आ रहा है प्राइस एक्शन का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल, ये अराउंड आ रहा है 27,400 के पास। तो अगर 28,000 ब्रेक करता है तो 27,400 और उसके बाद 27,100 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा बैंक निफ्टी इंडेक्स के लिए, ठीक है। तो ये है वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। ये है डेली चार्ट बैंक निफ्टी इंडेक्स का, अगर ये 100 EMA को मैं अगर यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दूं 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज में, तो कल आप देख सकते हैं ये यहाँ से रिकवर हुआ है और नीचे यहाँ पर इसने टेल छोड़ दिया है, ये थोड़ा हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है, और 200 डेज के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है, जस्ट 200 डेज के ऊपर आके ये क्लोज हुआ है, सिंपल मूविंग एवरेज है ये 200 डेज का। तो अगर यहाँ से और भी नीचे टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो 27,100 का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। RSI ओवरसोल्ड जोन में चला गया है तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम ये ओवरसोल्ड जोन में चला गया है तो ओवरसोल्ड कैन बिकम एक्सट्रीम ओवरसोल्ड, यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मुंह दिखाई दे सकता है। तो ये है अभी ये वीकली मंथली और डेली चार्ट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं, ये है निफ्टी का चार्ट वीकली चार्ट, 50 EMA को ब्रेक कर दिया और अभी ये टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है, हमने यहाँ पर भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ किया था, तो अभी इसका ये 50% का लेवल इसने ब्रेक कर दिया, 11,000 के नीचे आके क्लोज हुआ है, तो अभी नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल 10,800 के पास है जो कि 61.8% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, ठीक है। निफ्टी का मंथली चार्ट भी देख लेते हैं, यहाँ पर मंथली चार्ट बैंक निफ्टी और निफ्टी का काफी सिमिलर होता है, तो यहाँ पर अभी ये 20 EMA के पास ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, 20 EMA अराउंड 10,900 के पास है, 10,900 को अगर ब्रेक करता है ये इस मंथ, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो ये 50 EMA यानी अराउंड 9,800 50 के पास ये 50 EMA आ रहा है मंथली चार्ट में, तो 9,850 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा अगर इस पिंक लाइन के नीचे आकर ये क्लोज होता है इस महीने में मंथली चार्ट में। तो ये मंथली और वीकली चार्ट का सिनेरियो निफ्टी का, चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। कल हाफ एन आवर में ये स्ट्रांग रिकवरी देखने को मिली थी, इसका हाई अगर देखे तो यहाँ पर ये जो प्रीवियस स्विंग लो बना है इसी के पास इसका हाई आ रहा है, तो इसके हाई के ऊपर अगर ये निफ्टी इंडेक्स चला जाता है इस हाई के ऊपर यानी 11,004 के ऊपर अगर ये चला जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,041, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा ये 20 EMA जो कि अराउंड अभी 11,060 के पास आ रहा है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो इस बुलिश कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है 10,923 को ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,882, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,833, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर जबरदस्त गैप डाउन ओपनिंग होती है और ये 10,882 के नीचे चला जाता है तो ही शॉर्ट पोजीशन हम बना सकते हैं, ठीक है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो, और अगर ये नॉर्मल इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो 10,923 को ब्रेक करने दीजिए, उसके बाद ही हम शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये है निफ्टी का इंट्राडे लेवल्स, हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इस YouTube चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।